अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त माजिद मलिक। यकीनन आप पहली बार मुझे कैमरे के सामने देखे थोड़े से हैरान और परेशान हो रहे होंगे, लेकिन हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं अभी इस टाइम बैठा हूं दुबई एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूं इजिप्ट यानी मिस्र। तो हम आपको स्टोरीज अपने वीडियोज़ में बताते रहे हैं पैरामिड्स के बारे में, फिरौन की जो मम्मी है उसके बारे में, हर चीज़ हमने आपको तफसील के साथ बताई है। तो फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इस पूरे इवेंट को अपनी आंखों से देखने और इसको कवर करने। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वहाँ पर खुद जाके इन चीज़ों को मैं शूट करके आपके सामने पेश करूँगा और आपको उनकी सारी तफसीलात वहाँ पर जाके बताऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, इसमें हम इसको मतलब डिफरेंट इसके एपिसोड्स बनाएंगे और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप बस हमारे साथ रहिएगा और रियल वर्ल्ड को देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे सफर का बाकायदा आगाज हुआ था इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हम पहुंचे और इस आईबैक्स के टूर में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग शामिल थे। कुछ लोग जो हैं वो कराची एयरपोर्ट से उन्होंने परवाज भरी, कुछ लोगों ने लाहौर एयरपोर्ट से परवाज भरी और कुछ लोग जो इस काफिले में शामिल थे उन्होंने इस्लामाबाद से दुबई के लिए अपने सफर की परवाज भरी। तो हम दुबई में जाके इकट्ठे हुए, इस्लामाबाद वाला काफिला भी वहां पे आ गया, लाहौर वाले लोग भी वहां पे पहुंच गए और कराची वाले लोग भी। वहां पे हमारा 3 घंटे का स्टे हुआ और 3 घंटे के बाद वहां से एमिरेट्स के जरिए हमने एक और फ्लाइट पकड़ी और हमारा ये काफिला सफर करता हुआ मिस्र के शहर काहिरा जा पहुंचा। दोस्तों जब हम काहिरा पहुंचे तो जावेद चौधरी साहब के इंतजामात बहुत ही जबरदस्त किस्म के थे। एयरपोर्ट पे आगे 2 बसें जो हैं वो इस काफिले की मुंतजर थी। हमारे इस काफिले में 54 लोग शामिल थे जिनमें फैमिलीज भी थी। चौधरी साहब ने 2 बसों का इंतजाम किया हुआ था। एक बस जो थी वो फैमिली, जिसमें फैमिलीज थी वो थी, और एक बस वो थी जिसमें सिंगल्स थे। ये 2 बसें इस पूरे सफर में हमारे साथ रही हैं। हमारा ये सफर था 7 दिनों और 6 रातों का। जब हम एयरपोर्ट से, काहिरा एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए रवाना दवा थे तो साथ में जावेद चौधरी साहब अपने ख्यालात और अपने मिस्र की जो इम्पोर्टेंस है, हैसियत है, और जो इस सफर के आगे जो हमारा ये टूर था, इस टूर के हवाले से जो जो कुछ उसमें इंक्लूड था, जावेद चौधरी साहब प्रॉपर उस पर रोशनी डाल रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और अपने प्रोग्राम के बारे में हमें बता रहे थे। दोस्तों ये पहली हमारी सुबह हो चुकी है। अभी आप जिस तरह देख रहे हैं ये सारे ग्रुप के लोग जो हैं ये यहाँ पे इकट्ठे होके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। होटल का व्यू बहुत ज़बरदस्त है और ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट है इन लोगों का।
ये हमारे स्टाफ के तकरीबन सभी मेंबर यहाँ पे खड़े होके अपनी अपनी बारी का और अपने अपने आर्डर का वेट कर रहे हैं। हमने स्टे किया है इस होटल की, जो सबसे बात मुझे अच्छी लगी है कि इसका व्यू बहुत प्यारा है। अभी मैं आपको इसका व्यू भी दिखाता हूं और आप इमेजिन करें कि ऐसे व्यू पे अगर बंदा ब्रेकफास्ट कर रहा हो तो और क्या चाहिए। दोस्तों, नाश्ते से फारिग होने के बाद हमारा काफिला अपनी अपनी बसों में बैठकर दुनिया के उस अजायब आलम की तरफ गामजन हो चुका था कि जिसके बारे में बचपन से ही सुन सुनकर हम तमाम लोगों के जहन में सनसनी सवार थी। और आज पहली बार हम उस अजायब आलम को अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। रास्ते का मंजर इंतहाई खुशगवार था। जब आप अपनी बस में बैठ कर अपनी खिड़की से बाहर देखें तो आपको साइडों पर नजर आने वाली तमाम की तमाम इमारतें फने तामीर का एक शाहकार मालूम होती है। और इसके साथ साथ दरियाए नील का नजारा इस तमाम सफर को एक अलग ही खूबसूरती और दिलकशी फराहम करता है। Who is the mummy? Yes. The bad guy name? Imhotep. Yes. That was the architecture name. This architecture wanted to do something different to his king. So he changed this mud brick platform from mud into limestone. Then he enlarged it, built a smaller one over it, smaller one over it, smaller one over it, to give us the six-step pyramid at Saqqara. The first stone building ever and the first idea of a pyramid in history. After him, another king came, his name was Senefru. Senefru wanted to do something like King Zoser, but a little bit different. So he built a step pyramid, then he filled the gaps. जी तो दोस्तों, फाइनली वो लम्हा, वो घड़ी आन पहुंची है जिसका मैंने बहुत सारा इंतज़ार किया था। अब जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पिरामिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको आगे चल के ये पिरामिड करीब से दिखाए भी जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें फर्स्ट टाइम आपको पता चलेंगी, जो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि इससे पहले आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ इस ट्रिप में शामिल हैं और अब वो भी हमें बताएंगे। और इन्होंने इसका पूरा जो है इसको खोल के रख दिया। मैं इसको एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, साथ साथ शूट भी करूँगा आपके लिए। बस आप हमारे साथ रहिएगा।
जी तो दोस्तों ये पिरामिड के पहले स्टेप पे मैंने कदम रख दिया है और अब हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये हैं वो इजिप्शियन पिरामिड्स जिनके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और खुशकिस्मती से मुझे ये मौका मिला है और आज मैं इन पिरामिड्स को अपने कदमों से छू पा रहा हूँ। दोस्तों ये मखरूती शक्ल के जो मकबरे हैं इन्हें अहरामे मिस्र कहा जाता है। इन तामीरात का शुमार इंसान की कदीम तरीन तामीरात में होता है। सभी माहरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये फराइने मिस्र की कब्रें हैं जिनमें शाही खानदान के लोग दफन हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से ये वाहिद हैं जो अभी तक बेहतरीन हालत में है। माहरीन आसारे कदीमा के मुताबिक मिस्र में दरियाफ्त किए गए अहराम की कुल तादाद 138 है जिन्हें आज से 4,500 साल कबल तामीर किया गया। इनमें से अहम तरीन मिस्र के दारुल हकूमत कायरा से बाहर गिजा के मकाम पर वाके हैं। इनमें से 3 अहराम खुफू खाफरा और मेनकावर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में होता है। इनमें सबसे बड़ा अहराम खुफू का मकबरा है जिसे बादशाह 24 का मकबरा भी कहा जाता है। इन अहराम का मकसद बादशाहों की ममियों यानी हनूद शुदा लाशों को संभाल कर रखना था ताकि आखिरत के सफर में इनके दर्जात बुलंद हो और जब ये दोबारा जिंदा हो तो इनके जिस्म भी सलामत हो। इन हनूद शुदा ममियों के साथ साथ इनके गुलामों कनीजों और इनके इस्तेमाल शुदा सब चीजों को भी इनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। बहुत सारा सोना चांदी और जवाहरात भी ताकि आखिरत अच्छी हो और नई जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। उस वक्त भी आम आदमी का पुरसाने हाल कोई नहीं था और ना ही आज आम आदमी अपनी सही कदर मंजिलत से आगा है। उस वक्त मिस्रियों का यह मजहब हुआ करता था कि अरवा कभी नहीं मरती और एक तवील मुद्दत के बाद वापस जिस्म में आ जाती हैं। इस मजहब के मानने वालों की तादाद भी लाखों में थी। तमाम अहराम में से सबसे बुलंद अहराम खुफू का है जो 455 फुट बुलंद है। इसका रकबा 13 एकड़ पर फैला हुआ है। इसकी तामीर में 25,00,000 चूना पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं और इन ब्लॉक्स में से अक्सरियत का वजन 25 से 80 टन के करीब है। इनकी तामीर इतनी बेहतरीन की गई है कि आज की साइंस भी ऐसा यादगार अहराम नहीं बना सकती। मतलब ये कि ये फनी महारत का आला तरीन नमूना है। इन ब्लॉक्स का वजन 5.9 मिलियन टन तक हो सकता है और इसकी तामीर में 20 साल से जायद का वक्त लगा। एक दिन में 800 टन पत्थर लगाया गया, मतलब कि 12 से 13 बड़े पत्थर हर रोज अपनी जगह पर फिट किए गए। मिस्र के इस अजीम अहराम की तामीर को लेकर बहुत से सवालात जहन में आते हैं कि जब क्रेन और बड़ी तामीराती मशीनरी नहीं थी तो ये कैसे बना लिए गए। मिस्री हिस्ट्री के मुताबिक ये पत्थर 800 किलोमीटर दूर से यहां लाए गए और एक लंबी तरीन नहर खोदकर और फिर जानवरों के चमड़ों में हवा भरकर इनको पानी के ऊपर तैराकर गिजा तक लाया गया। इस बात में 800 किलोमीटर का फासला जेरे गौर रखें और माजी की मुश्किलात को भी जहन में रखें तो ये एक नामुमकिन काम लगता था जो इंसानी जहानत ने कर दिखाया। इनकी मुकम्मल तामीर के बाद इनके ऊपर सफेद चमकदार पत्थर लगाया गया जो 1300 कबल मसीह में जलजला आने से उखड़कर गिर गया और सुल्तान नासिरुद्दीन अल हसन के अहद में इस पत्थर से छोटा सा किला और एक मस्जिद बनवा ली गई। अहराम की तामीर में 1,00,000 से जायद हुनरमंदों ने काम किया। इन हुनरमंदों का काम इतना उम्दा है कि आज भी 2 पत्थरों के दरमियानी दर्ज में प्लास्टिक का बैंक कार्ड दाखिल करना दुश्वार है और हर ब्लॉक अपनी पोजीशन में दुरुस्त तराश कर लगाया गया है। कहा जाता है कि जमाने के आगे हर चीज को फना है और अहराम वो है जहां जमाना भी हीच है। आप भी माजी को जानकर हाल में जिए और वो भी जिंदा कौमों की तरह कि यही ऐने हक है। ये खोफू का पिरामिड है। यहाँ पे सबसे बड़ा पिरामिड जो अभी तक डिस्कवर हुआ है वो खोफू का पिरामिड है। उसके सामने इसके अंदर वो दफन था, यहाँ से उसकी लाश निकाली गई थी और यहीं पे उसके जेवरात और बाकी सब चीज़ें थी। तो ये मेन जो इनका पिरामिड है वो है और ये इसकी जो बेसिकली जो जोग्राफिकल इसकी पोजिशन है उस वजह से इसको 7 वंडर में डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और अभी हम इसके बिल्कुल गेट के ऊपर
यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, अपने टिकट नहीं लिया। दोस्तों ये इसका जो पैरामिड है इसका मेन गेट है, और मेन गेट से आप अंदर जाके ये सारा कुछ देख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे जो भाई पहरेदार इन्होंने खड़े किए हुए हैं वो कह रहे हैं कि इसका टिकट जो है वो है 1400 pounds, डॉलर्स में भी जो इनके इजिप्शियन करेंसी है उसके 1400 हिसाब किताब से है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन इसका दूसरा अल्टरनेट जो है वो ये है कि इसके साथ ही एक जो छोटा पैरामिड है, अगर आप छोटे पैरामिड में जाते हैं यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे उसकी जो इनसाइड है वो फ्री है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं यहाँ से अंदर जाना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये थोड़ा सा कास्टली हो जाता है। लेकिन अगर आप अंदर से विजिट करना चाहते हैं तो वो दूसरे पैरामिड में अभी जाएंगे, वो वहाँ पे फ्री है। अब वहाँ पे चलते हैं और उसको अंदर से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो दिखा सकूँ। इजिप्शियन कल्चर पे कई मूवीज वगैरह में आपने इस किस्म की स्टिक जरूर देखी होगी। ये पहली दफा आके पता चला है। ये सूजी है, ये हमारे साथ गाइड है इस सारे टूर में। तो इन्होंने बताया कि स्टिक को ऐसे डिजाइन क्यों किया गया है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। अब ये हमें एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इस स्टिक की साइंस क्या है। दिस इज द नाइल, स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अफ्रीका, दिस इज द मेडिटेरेनियन नाइल। ये दरियाए नील की बात कर रही है कि इसके पीछे जो डंडा है ये पूरा है दरियाए नील। सो इट्स इजिप्ट, यहाँ से ये आगे इजिप्ट का नक्शा है, ये पूरा जो बना हुआ है ये इजिप्ट का नक्शा है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इजिप्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो मिस्र है ये दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। अपर इजिप्ट, ये अपर इजिप्ट है, ये जो पीछे टी जो बनी हुई है इससे पीछे पीछे ये अपर इजिप्ट है। और यहाँ पे आके ये जो टी बनी हुई है ये तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। एंड लोअर इजिप्ट एट एंशिएंट टाइम यूज्ड टू हैव सेवन ब्रांचेस ऑफ द नाइल, यहाँ पे ये दो हिस्सों में तकसीम होता है अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। इससे आगे लोअर इजिप्ट यूज्ड टू हैव सेवन ब्रांचेस ऑफ द नाइल, इससे आगे जो लोअर इजिप्ट है उसकी सात ब्रांचे हैं दरिया की आगे से निकलती हैं, और ये जो दायरा है ये उनको शो करता है। और ये जो स्टिक है ये सिर्फ स्टिक नहीं है, ये पूरा एक मैप है, और इसको की ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी जिंदगी की चाबी। और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल नया होगा, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया है, और ये बड़ी जबरदस्त मालूमात है। और ये हमें दी है हमारी गाइड सूजी ने, थैंक यू सूजी। ये जब आप यहाँ पे आते हैं तो इन पैरामिड्स के सामने ये लोग इस तरह ये घोड़ा गाड़ियाँ जो हैं इनके आगे ये इन्होंने घोड़े बांधे हुए होते हैं, और ये जब सब कुछ इस मंजर के साथ मिक्स होता है तो ये वाकई आपका जो पैरामिड्स का टूर होता है इसको बहुत हसीन और बहुत यादगार और बहुत खूबसूरत बना देता है। ये सारे लोग यहाँ पे खड़े होके टूरिस्ट को घुमाने के लिए पैरामिड्स का चक्कर लगवाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत मंज़र है ये। मैं आपसे यहाँ ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो इस जगह का भी आपको एक टूर ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अगर मौसम की बात करें तो जब हम घर से निकले थे तो यही सोच के आए थे कि अप्रैल है और मई का आखिर चल रहा है तो मौसम गर्म होगा, लेकिन यहाँ पे अभी आप जिस तरह देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए बादल छाए और यकीन करें ठंडी हवा लग रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल यहाँ पर दिसंबर चल रहा है। तो अगर आप इस मौसम में आएँ तो साथ कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि अपने साथ गर्म जैकेट्स जो हैं वो ज़रूर रखिएगा।
नजदीक रामी टूर के दौरान हमें एक बात अपने जो इंतजामिया उसकी तरफ से बताई गई थी कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो अपनी तरफ से आपने कोई चीज खरीदने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जैसे भी हो हम जितने मर्जी तेज बन जाएं इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम बहुत भोली होती है और ये लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके करके अलग अलग तरीकों से यहाँ पे पैसे बिटोरने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो ये थी कि बाहर से आपने कोई चीज नहीं खरीदनी। तो ये जो हमारी गाइड है सूजी, ये साथ है, इन्होंने हमें कहा था कि आपने बाहर से कोई चीज नहीं खरीदनी, जब मैं आप गाड़ी में दोबारा बैठेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो चीजें जो हैं जो इनके एक्चुअल रेट्स हैं उन पे आपको ये दिलवा सकूं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं और बार्गेनिंग सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ भी है। जहां भी जितनी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा करें। अब देखते हैं कि सूजी हमारे साथ क्या बेच रही है और क्या क्या चीजें कितनी कितनी कीमत में दे रही है। 20 wallets. They don't have a change. So can you take from anyone from your friends? It's 20 wallets or $5. अब सूजी के हाथ में एक पैक है जिसमें मेरे ख्याल में 20 वॉलेट हैं और ये 20 वॉलेट यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रही हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई बंदा भी ये वॉलेट अभी तक तो इनसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इस आईबेक्स टूर में हमारे साथ ये एक बहुत ही नाइस और सोबर पर्सनालिटी भी हैं। ये अब्दुल समद साहब हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर हैं। ये भी इस टूर में शामिल थे और ये भी मेरी तरह इतने ही मुतजस्सिस थे इन पैरामिड्स को देखने के लिए। अभी ये मेरे साथ इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे आके इस चीज़ को देख के कैसा फील कर रहे हैं। मेरा वाली बड़ा शौक था कि हम इजिप्ट जाएं और पिरामिड्स देखें, हिस्ट्री जो पढ़ी है, जो हमें पढ़ाया गया है उसको अपनी आँखों से देखें। तो इधर आके बड़ा कहते हैं कि जिसे तसल्ली हुई कि जो हमने हिस्ट्री पढ़ा था वो जो देखा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये टूर रहा हर लिहाज से। दोस्तों ये भाई यहाँ पे कैमल राइड जो है, अगर आप यहाँ पे आके, इजिप्ट की कैमल राइड बहुत ज्यादा मशहूर है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली अगर आप कैमल राइड मिस कर देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपका पूरा टूर ही जो है वो बिल्कुल मजे का नहीं है। ये भाई है महमूद भाई और ये कह रहे हैं कि क्यों ना से अबाउट द पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल। हमारे आईबेक्स के दो और शहजादे ऊंटों पे बैठ गए हैं और ये निकलने लगे हैं। जबरदस्त जबरदस्त नजारा, डेजर्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दोस्तों अगर आप मिस्र में आके, इजिप्ट में आके, पैरामिड्स में आके अगर आप कैमल राइड नहीं लेते तो यकीन करें कि आपका ये टूर बिल्कुल टेस्टलेस है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाना बहुत ज़बरदस्त पका हुआ और उसमें नमक ना हो। तो अभी हम अपने इस टूर में नमक शामिल करने जा रहे हैं। ये अभी मैं ऊँट पे बैठ चुका हूँ और ये अभी महमूद भाई मुझे यहाँ से कैमल जो टूर है ये करवाएंगे। oh my god, there's a beautiful 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 experience. Hey. नाज़रीन ग्रामी, इस सहरा में या इन पैरामिड्स के पास ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं
ये भी यहाँ की एक जो कल्चरल ब्यूटी आप जिसको कह सकते हैं उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इजाफा करते हैं। यहाँ पे इजिप्शियन जो इनकी ट्रेडिशन है, रिवायात हैं, उसके हिसाब किताब से ये यहाँ पे चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को भी मिल सकती हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। जी दोस्तों, अभी पैरामिड्स को प्रॉपर और मुकम्मल तौर पे विज़िट करके अभी यहाँ पे हम आए हैं। ये एक शॉप है और यहाँ पे अगर आप परफ्यूम्स और डिफरेंट किस्म के ऑयल वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। अभी ये भाई हमें थोड़ी देर में वो प्रोसेस और वो तरीका बताएंगे कि जिस तेल के साथ ये उन ममीज़ को महफूज करते थे वो उसको तैयार कैसे किया जाता था और ममी जो है वो उसको कैसे वो अप्लाई किया जाता था। Hello. 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Guys, guys, I have a group of men. Yes. So when we say hello. 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 Okay. First of all, welcome to Egypt, and welcome in our company here, the Egyptian Perfume Palace. Before anything, I want to offer you something to drink. Welcome drink. It is free. It is out. दोस्तों, जावेद चौधरी साहब के साथ टूर करने का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये छोटी से छोटी चीज़ का, छोटी से छोटी ज़रूरत का जो लोग इनके साथ जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अभी हम पैरामिड्स, गिज़ा पैरामिड्स का हमारा टूर ख़त्म हुआ है और अभी हम रास्ते में जा रहे थे म्यूज़ियम की तरफ, रॉयल म्यूज़ियम की तरफ। और यहाँ पे ये हमारा लंच टाइम है और ये अगर आप चौधरी साहब के साथ आपको मौका मिलता है कभी आप आएँ तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये लंच टाइम है। बहुत ही ज़बरदस्त होटल, बहुत ही प्यारा होटल, बहुत ही ज़बरदस्त वेन्यू ये आप देख सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश कीजिए कि चौधरी साहब की ये जो कंपनी है, जावेद चौधरी साहब की आइबेक्स, इसके थ्रू आइए। बहुत मुनासिब और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का पैकेज है। दोस्तों, इजिप्ट की जब भी हिस्ट्री, तारीख की बात की जाए तो ये दरियाए नील के बगैर इसका तذکرہ, इसकी हिस्ट्री टोटली अधूरी है। बहुत ही तारीखी दरिया है, आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना। ये आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये आपके सामने दरियाए नील, ये दरियाए नील है और बिल्कुल इसके किनारे पे ये होटल है। बहुत ही ज़बरदस्त और आला। नाज़रीन ग्रामी, वक्त की कमी को मलूज़े खातिर रखते हुए हम अपने पहले एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और अगले एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे इजिप्शियन म्यूज़ियम, जहाँ पे फिरौन की ममी है और जो कुछ भी पैरामिड से अब तक दरियाफ्त हो चुका है, इंतहाई नादिर और नायाब चीज़ें हैं, उनका आपको बाकायदा विज़िट कराया जाएगा, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और लेकिन ये सब कुछ होगा अगले एपिसोड में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।